धर्मशाला के विधायक और पूर्व में शहरी विकास मंत्री रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने अपना 51वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस दौरान सुधीर शर्मा ने पहले अपने पैतृक गांव बैजनाथ के महाकाल में जाकर शीश नवाया, उसके बाद कांगड़ा के मशहूर शक्तिपीठ चामुंडा नंदीकेश्वर धाम की शिरकत की और यहां आकर उन्होंने मां भगवती के श्री चरणों में शीश नवाकर हवन यज्ञ किया। साथ ही उनके समर्थकों की ओर से उनके जन्म दिवस के मौके पर 51 किलो का केक काटा गया। सुधीर शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए वो देवी के दरबार में मन्नत मांगने के लिए आए हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि विपक्ष जिस तरह से मौजूदा सरकार को प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, उस पर वो इतना ही कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कोई सरकार नहीं लेकर आती और प्रदेश सरकार इस घड़ी में हर संभव तरीके से जनता की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। सुधीर शर्मा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में चल रहे गड़बड़ झाले को लेकर भी तल्ख टिप्पणी की और कहा कि जिस प्रोजेक्ट की कल्पना शहर के विकास के लिए की हुई है, उसके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।